गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है और जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और ऐसे जो संवेदनशील जगह है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। तो गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकस है। हालांकि लगातार इस पूरे मामले के मद्देनजर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी अपनी रिपोर्ट साझा कर रही है। तो प्रदेश में भी ठीक इसी तरह से पुलिस कर्मियों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है और चेकिंग अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की, हर आने जाने वाले व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। जहां पर भी कुछ संदिग्ध लगता है चेकिंग की जाती है, तो जगह जगह वाहनों की चेकिंग हो रही है। क्योंकि आईबी ने कई हफ्ते पहले ही इस रिपोर्ट को साझा किया था कि 26 जनवरी के मौके पर, 26 जनवरी के अवसर पर दहशतगर्द इसका फायदा उठा सकते हैं और कोई आतंकी हमला कर सकते हैं। इसी को लेकर गणतंत्र दिवस भारत के लिए न केवल अहम होता है बल्कि सुरक्षा लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है ताकि कोई भी दहशतगर्द अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। तो दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए हर जगह और चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और बाकायदा सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। और 26 जनवरी का सभी भारतीय नागरिकों को बेहद इंतजार रहता है। एक तरह से भारत का पर्व कहें तो कहना गलत नहीं होगा। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, विजुअल के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस कर्मी पूरी तरह से अलर्ट पर है और ग्राउंड जीरो पर रहकर चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो हम अपने पर्व से महज एक दिन दूर हैं और तैयारियां एक तरह से अंतिम मोड़ पर है, अंतिम पड़ाव पर है। तैयारियां मुकम्मल हो जाएगी और इससे पहले देखा यह गया था, लगातार ये खबरें भी सामने आ रही थी कि फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल लगातार चल रही थी, वो भी पूरी हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। तो जगह जगह वाहनों की चेकिंग चल रही है और चेकिंग होना भी बेहद जरूरी है। कहीं पर भी कोताही न बरती जाए, कहीं पर भी ढिलाई न बरती जाए, इसको लेकर पुलिसकर्मी हमारे देश के वीर सपूत तैनात रहते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र दहिया, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है, फिलहाल किस तरीके से प्रशासन चौकस है? बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यस, यहाँ पर जो लगातार पुलिसकर्मी वो है गणतंत्र दिवस के मद्देनजर चेकिंग कर रहे हैं वाहनों की रुकवाकर, और तमाम जो भी संदिग्ध वाहन उनको नजर आता है तो कहीं ना कहीं उसको रोककर उसकी गहन चेकिंग की जाती है, उसी के बाद उसको जाने दिया जाता है। लगातार सड़कों पर पुलिस जो है डटी हुई है, तमाम तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, जिस तरीके से लगातार जो है चेकिंग के आदेश भी यहाँ पर ऊपर से दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं रात 10 बजे एक एडवाइजरी जारी पुलिस की तरफ से की गई है कि रात 10 बजे से लेकर और कल 26 जनवरी 2 बजे तक भारी व्हीकल्स का आना भी शहर के अंदर मना है। बाईपास से वो लोग जा सकते हैं, केजीपी मार्ग पकड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार पुलिस इस बात को तय करने में लगी हुई है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। जो वाहन उनको संदिग्ध नजर आता है उसको तुरंत जब्त कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर पुलिसकर्मी जो है मोटरसाइकिल की चेकिंग कर रहे हैं और साथ में कोई पेटी वहां पर है उसकी भी जांच की जा रही है। तमाम पुलिसकर्मी इस बात को तय करने में सड़कों पर लगे हैं और करीब 3500 पुलिसकर्मी जो इस बात को लेकर लगाए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना फरीदाबाद के अंदर न हो। जी यस, राजेंद्र दहिया, अगर बात करें जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया कि संदिग्ध वाहनों को यहाँ पर चेकिंग अभियान लगातार चलाया जाता रहा है, लेकिन क्या ऐसे में कोई डाटा निकल कर सामने आया कि इस दौरान 26 जनवरी के मद्देनजर संदिग्ध वाहनों को पकड़ा गया है, इसकी कोई संख्या है या फिर अभी तक किसी भी संदिग्ध वाहन को नहीं पकड़ा गया है? पुलिसकर्मी लगातार जांच करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बात का डाटा अभी तक यहां पर नहीं दिया गया है कि कितने वाहनों को यहां पर जो है
जब्त किया गया है। हालांकि उनको जो संदिग्ध नजर आता है उसको तुरंत रोका जाता है और उसकी जांच की जाती है। करीब एक दर्जन पुलिसकर्मी यहाँ नीलम चौक है, बड़ा व्यस्ततम चौक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी लगातार जो है जांच कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भी वाहन उनको लगता है कि संदिग्ध है उनके चालान भी काटे जा रहे हैं, उनके कागज भी चेक किए जाते हैं और सुचारू रूप से वाहनों की व्यवस्था रहे इसको लेकर लगातार पुलिस जो है काम कर रही है। जी राजेंद्र दहिया, इस खबर से जुड़ा एक पहलू यहाँ पर ये भी है, चूंकि अधिकांश संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी अब चप्पे चप्पे पर है, ऐसे में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करवाना भी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है, बड़ी चुनौती बन गई है। तो ऐसे में पुलिस बल और पुलिस बल की संख्या किस तरीके से यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है कि कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन हो और जो संदिग्ध वाहन नजर आते हैं उनके चालान भी काटे जाए, उनसे पूछताछ भी की जाए, उनके दस्तावेजों को भी देखा जाए। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना की जो महामारी है वो भी लगातार उसके भी मामले बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस भी लगातार इस बात को तय करने में लगी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी भी हैं, इसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? एसआई सुरेश कुमार जी। जांच चलाई जा रही है, कोई वाहन जब्त किया है कोई संदिग्ध वाहन? वाहन अभी तक कोई संदिग्ध दिखाई नहीं दिया है और चेकिंग जारी है। किस तरीके की चेकिंग की जा रही है, वाहनों को किस तरीके से देखा जा रहा है? 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए वाहनों की चेकिंग चलाई जा रही है। ठीक है, कोरोना के जो नियम है उनको किस तरीके से पालन करवाया जा रहा है? जो आदमी मास्क विदाउट मास्क मिलता है उसका मास्क की पर्ची काटी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मास्क के भी चालान पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। साफ तौर पर पुलिसकर्मी है जो तैनात है वो कह रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है चालान काटने का काम कर रहे हैं ताकि व्यवस्था अच्छे से बनी रहे और कहीं ना कहीं 26 जनवरी के मद्देनजर किसी भी तरह की कोई चूक न हो, इसको लेकर पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर यस दिखाई देते हैं। जी ठीक है राजेंद्र दहिया, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे, किस तरीके से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उन्होंने दिखाने की ये कोशिश की है कि अधिकांश पुलिस बल पुलिसकर्मियों की अधिकांश संख्या इस बात को लेकर पूरा फोकस करे हुए है कि जो भी संदिग्ध वाहन है उसकी गहनता से जांच की जाए और चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद थे उन्होंने बताया कि 3500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसी बात को लेकर लगाए गए हैं कि कोई अगर संदिग्ध वाहन नजर आता है तो उसको पकड़ा जाए, उसकी जांच की जाए, उसके दस्तावेजों को खंगाला जाए।